गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आज गणपति पूजा है, हम लोग वापस आ गए हैं अच्छे भले, है ना। हाउ अमेजिंग कृपा है भगवान की कि यू नो हम लोग इतना लंबा ट्रिप लिए बच्चों के साथ एंड टचवुड किसी को कुछ नहीं हुआ। टचवुड थैंक यू। ऐसे ही हमारे आगे के ट्रिप्स होते रहे और ऐसे ही हम लोग खुशहाली के साथ जिंदगी जीते रहे। बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि इतना लंबा ट्रिप करके आके विदाउट टेकिंग रेस्ट हम लोग इस बार गणपति पूजा क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस साल बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि गुरमीत वॉज लाइक एडमेंट हमें वापस आना ही है, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ ये हमारा पहला गणपति है। हर बार ऐसा होता है कि हम लोग गणपति बप्पा से कुछ मांगने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन इस बार द पूजा करना इज ओनली ऑफ ग्रेटिट्यूड, गणपति बप्पा को थैंक यू बोलने के लिए। हमारे घर में उन्होंने खुशियां भर दी है। इस साल दिविशा का फर्स्ट गणपति है एंड दिविशा के साथ हमारा परिवार हो जाता है एब्सोल्युटली कंप्लीट। सो इट्स लाइक अ थैंक्स गिविंग गणपति। टॉकिंग अबाउट यू नो, पता है हम लोगों ने इतना जो लंबा ट्रिप किया, बहुतों को लगा कि बच्चों को लेके जाके क्या ही फायदा, बच्चे तो सब भूल जाएंगे बड़े होते होते। एक्चुअली बच्चे सब भूल जाएंगे, लेकिन सबकॉन्शियसली उन लोगों के दिमाग में जो कुछ भी है सब उन लोगों को और अच्छे से एनरिच करेगा। मतलब आई एम श्योर मैं इस ट्रिप को कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगी। गुरु देवो ना प्लीज, शी वांट्स टू ईट द एवोकाडोस हरसेल्फ। खा लिया तुमने खुद ब खुद, वाओ हाउ अमेजिंग। सो दिस आई कॉल इज मॉडर्न पेरेंटिंग। दिस इज समथिंग दैट आई कम्प्लीटली बिलीव इन। जैसे कि बच्चों को खुद खाने देना चाहिए, बच्चों को वो एफर्ट लेने देना चाहिए। हम लोग सोचते खाना वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने हमेशा लियाना को सेल्फ सफिशिएंट होने को अलाउ किया। इसीलिए टचवुड टुडे शी हैज एस्टैब्लिश्ड एन अमेजिंग रिलेशनशिप विद फूड। शी ईट्स ऑन हर ओन, शी नोज फूड, शी नोज द टेक्सचर ऑफ फूड, शी नोज हाउ टू हैंडल अ स्पून एंड अ फोक। और अभी दिविशा भी धीरे धीरे ये शुरू कर रही है। और हम बिलीव करते हैं कि गणपति पूजा में, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी से हमारे बच्चे पूजा करते हुए देखेंगे, भले वो समझे नहीं, लेकिन बचपन से और बड़े तक उनको एक आदत हो जाएगी, बिल्कुल पूजा करनी चाहिए। जब भी आप तकलीफ में हो तो भगवान के सामने चले जाओ और सब कुछ सॉल्व हो जाता है। कहीं ना कहीं बोथ ऑफ अस बिलीव गॉड फियरिंग होना बहुत ही जरूरी है। यू विल नो वेयर टू फॉल बैक ऑन, मम्मी पापा एंड गॉड। जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरिया। लेकिन देवी ना, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, बच्चों को तैयार करो, मैं खुद तैयार हो जाता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे गणपति जी लेने जाना है, बहुत सारा काम। हम लोगों ने कल गणपति भी नहीं लेकर आया, गुरमीत ने कहा वो सुबह सुबह जाके गणपति जी नहीं, नहीं मुझे पंडित जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि आज के दिन ज्यादा शुभ होता है, आज के दिन ही मुहूर्त है, अगर आज हम लेके आएंगे तो और अच्छा हो जाता है। तुम गणपति पापा को लेकर आओ, मैं बच्चों को रेडी करूं। मैं भी तुम्हारी मदद करता हूं। कोई बच्चों के स्किन केयर की भी जब बात आती है, तभी भी वी आर वेरी वेरी केयरफुल। वी फॉलो द सेटाफिल बेबी प्रोडक्ट्स रूटीन, इट इज एब्सोल्युटली रेकमेंडेड बाय पीडियाट्रिशियन। इस विषय में गुरमीत बहुत ज्यादा केयरफुल है। कुछ भी लगाऊं, मेरे बच्चे जो भी लगाए वो अच्छा होना चाहिए, इसीलिए मैं यूज करती हूँ सेटाफिल, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली सूटेबल फॉर बेबीज सेंसिटिव स्किन। चलो मैं मालिश कर देती हूँ, तुम तब तक पानी रेडी करो। चलो, बॉडी मसाज, बाथ एंड प्रोटेक्शन, दिस थ्री स्टेप स्किन केयर रूटीन आई कम्प्लीटली फॉलो फॉर माई बेबीज। दिस विल मेक माई बेबीज बोन स्ट्रॉन्गर, विल रियली मेक देम स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन एंड ब्यूटिफुल फ्रॉम आउटसाइड। दिन शुरू होता है सेटाफिल बेबी मसाज ऑयल के साथ मसाज से। दिस इज क्लिनिकली प्रूवन जेंटल फॉर्मूला टू कीप बेबीज डेलिकेट स्किन moisturized and hydrated. Trust me, this is safe to use even on newborn baby skin from day one. Nehlate hain Cetaphil baby wash and shampoo se. This is very tender on my baby's skin and it keeps their skin baby fresh and baby soft forever. Also cleaning the grime.
लियाना इज नाउ अ क्यूरियस एंड एक्सप्लोरिंग बेबी। मैं उसका एक्सप्लोरिंग नहीं रोकती हूँ, लेकिन मैं उसको एब्सोल्युटली क्लीन, क्लियर एंड कॉन्फिडेंट रखती हूँ। लास्ट इज माई फेवरेट सेटिफिल बेबी लोशन। दिस मॉइस्चराइजेस एंड प्रोटेक्ट्स द बेबी स्किन। ऑल द प्रोडक्ट्स आर पीडियाट्रिशियन रेकमेंडेड एंड कम्प्लीटली सेफ फॉर माई बेबीज। बेबीज को रेडी करने में जितना माँ का हाथ होता है, उतना हमारे घर में पापा का भी। और ये रहे हमारे एंजल्स के कपड़े, इसको जल्दी से तैयार कर दो दर्वीना, मैं गणपति जी को लेके आता हूँ। दिस इज आवर लिटिल पेरेंटिंग की नई परंपरा। ट्राई न्यू एज पेरेंटिंग बाय ट्राइंग सेटिफिल बेबी प्रोडक्ट्स फॉर योर लिटिल वन। गणपति बप्पा मोरिया। शुरू हो गया है आज हमारे घर पे, डेढ़ दिन का हमने पूजा रखा है, गणपति जी हमारे घर पे विराजमान है। नॉर्मली हम एक दिन पहले हम गणपति जी रात को लेके आ जाते हैं, लेकिन पंडित जी ने कहा आज अगर सुबह लेके आओगे वो भी बहुत शुभ होता है, तो हम आज सुबह लेके आ रहे हैं, पूजा करके उनको हम घर पे लेके आ रहे हैं। आइए जुड़िए हमारे साथ। एक्साइटेड गणपति जी का चेहरा भी हम देखने वाले हैं। किसी और को तो नहीं दे दिया हमारा। गणपति बप्पा मोरिया। फाइनली गणपति जी घर आ रहे हैं, सुपर एक्साइटेड, बड़ी खुशी हो रही है। और इस बार तो इतना प्यारा बनाया हुआ है, हमारे घर पे दो एंजल्स हैं। कान्हा गणपति जी आ रहे हैं घर पे, मजा आ गया। ओह गॉड, लास्ट टाइम जब गणपति जी आए थे तो लियाना थी, तब दिविशा नहीं आई थी। इस साल पूरा हो गया, दिविशा का ये पहला गणपति है, तो एक्साइटमेंट उतना ज्यादा बढ़ गया है। दोनों एंजल्स अभी तैयार होंगे, मुझे बस लियाना और दिविशा को तैयार होते हुए देखना है, क्योंकि दिविना उनको बहुत अच्छे से तैयार कराती है। और आज पूरी फैमिली तैयार होके पूजा करेगी, वो उस चीज का इंतजार है मुझे। अभी मैं भी बस ऐसे तैयार होके आया हूँ, मैं भी तैयार हो जाऊंगा अच्छे से, सारी फैमिली तैयार हो जाएगी। घर अच्छे से तैयार हो गया है, घर अच्छे से सजा दिया है जीविता ने। आपको तो पता है हम लोग एक महीना ऑलमोस्ट बाहर थे, लेकिन मैं टच में था जीविता के सबके की कैसे चल रहा, तैयारी कैसी हो रही है। गणपति जी सेलेक्ट हमने फोन पे ही किया। एक्चुअली जब जीविता ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, मुझे पहली बार ही पहला फोटो ही गणपति जी का दिखा मुझे, और मैंने बोला यही लॉक करते हैं। बस गणपति जी अभी आ गए हैं, अभी पंडित जी घर पे पहुंच गए हैं, पंडित जी अभी तैयारी कर रहे होंगे, तब तक गणपति जी आ जाएंगे और हम सब पूजा करेंगे। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। दिविशा कौन आए? गन्नू जी आए। हाय पाब्लो। पाब्लो कितना खुश है। यस पाब्लो। गणपति बप्पा। यस 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 पाब्लो। वाओ देवीना, बोलिए गणपति का नाराज की जय। गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, बोलिए। नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम गजाजनम भूतगणादि सेवितम, कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, चिताः वरदाः भवता। ओम गंगणपतये नमो नमः। पूजनेन पूजनेन गणपति गणपति मम गृहे मम गृहे सुख शांति। बोलिए गणपति गजाजन महाराज की जय। हाथ जोड़ करके कलश को नमस्कार कर लीजिए।
नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाया सुक्षेतहाराय सुमंगलाय भगवान की जय अम्बे माते की जय पार्वती पते हर 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 महादेव। सुबह से टाइम ही नहीं मिला आप लोगों के साथ बात करने के लिए, दिन ऐसा ही था, जल्दी जल्दी रेडी हो गए और अच्छे से रेडी हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई जेट लैग वाली फीलिंग नहीं है। मुझे लगता है यही गणपति बप्पा जी का कृपा है। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और ये सिंपल खाना होता है हर साल, खिचड़ी और पत्ता गोभी की सब्जी। हर बार गणपति के दिन हम लोग घर पे खाना बनाते हैं। घर पे ये जो खिचड़ी बनती है ये हर साल बनती है। दूसरे लोगों के घर पे हम हमेशा सुनते हैं या हम भी जाते हैं तो मिठाई प्रसाद फल प्रसाद देते हैं, पर हम घर पे ऐसा कुछ करते हैं कि हमेशा हम लोग लोगों को बिठा के खाना खिलाते हैं। उस पे कई कई बार ऐसा सुनने को भी मिलता है कि लोग बोलते हैं मिठाई खा खा के एकदम मुंह बहुत ज्यादा मीठा हो गया था, यहाँ पे आके पेट भर लंच मिला, बहुत अच्छा लगा। इसीलिए इस बार भी हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाहर से खाना मंगवा रहे हैं, ऐसा कुछ हम लोग घर पे ही यही बना है। मैं किचन में दिखा देती हूँ मतलब कितना सारा बनता है और खत्म होने से पहले दोबारा बनने लग जाता है। आई जस्ट फील सो गुड अबाउट द होल थिंग। हर बार मम्मी बनाती है लेकिन इस बार मम्मी बहुत थकी हुई है तो मम्मी नहीं बनाई, लेकिन खाना घर का है, खा लेती हूँ और फिर आपको किचन में लेके जाती हूँ। आ जाओ। ये बन रहा है खीर चावल का, यहाँ पे बना हुआ है पत्ता गोभी की सब्जी, इस पे बना हुआ है खिचड़ी। अपनी दुआएं बनाया, तुम्हें बहुत जरूरत है अभी आपकी। गप्पा बोल पूजा करो बाल गणपति जी हर जगह घूम फिर रहे थे। हम तो लास्ट में कुछ पोस्ट भी करना बंद करते, मैंने बोला पोस्ट लोगों के साथ ये घूम ही रहा है तब से, सब बच्चों के साथ हमसे टाइम में चिल कर रहा था मैं। बार का सीसीटीवी रखा हुआ है। पहले हम लोग प्रे करेंगे फिर हम फोटो खींचेंगे। सर्वांगे सुंदर अति सुंदराची
अंधे जल के माल मुक्ता भाया की जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति जय शर्मा के मान कामना पूर्ति जय देव जय देव ना खाट सवारा तुझ गौरी कुमरा चंदाना के ऊँटी कुमकुम के सारा भीड़ जाति समूह शोभा तो वारा झुंझुड़ते नो कोरे चरणी गा गैया जय देव जय देव।